गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल तबाही एडिटिंग जॉब। तो फाइनली क्या है कि आज हम करने वाले कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। ये क्या है कि मैं गया था नदी की तरफ फोटो शूट करने, ठीक है। तो वहाँ पे नाव पे मैं फोटो क्लिक किया, ठीक है, दो चार फोटो क्लिक किया। तो एक फोटो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, तो सोचा कि ना उसको मतलब लाइट रूम से एडिटिंग करके डालूँ। तो यार लाइट रूम के अंदर हमें कोई टोन ही नहीं मिला कि मैं ऐसा टोन बनाऊँ और फोटो को मतलब बढ़िया फिल्टर डाल के मतलब एडिटिंग करूँ। तो ऐसा टोन हमें नहीं मिल पाया, ठीक है, क्योंकि यार बैकग्राउंड फैट फैट सी वाइट वाइट सी, और जो नदी के पानी थी वो भी यार वाइट ही थी, जिसकी वजह से मैं बैकग्राउंड चेंज नहीं किया। और सोचा कि मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ठीक है, मैं उसको लाइट रूम को छोड़ दिया और सोचा कि मैंने इसका बैकग्राउंड को चेंज किया जाए। तो मैं गया क्रोम ब्राउज़र पे और वहाँ जाने के बाद से मैं बहुत सारे बैकग्राउंड चूज किया, जिसमें हमें एक बैकग्राउंड काफ़ी बढ़िया जो हमारा बैकग्राउंड है, और इसी बैकग्राउंड को मैं फोटो को एडिटिंग किया, ठीक है, इसी बैकग्राउंड से। तो फाइनली क्या है कि यार वीडियो को शुरू से एंड तक देख, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ आप लोग को। काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड गाइस बैकग्राउंड परफेक्टली बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, अगर वीडियो को देखते तो बिल्कुल आपका मतलब रियल फोटो लगे। तो यार वीडियो को शुरू से एंड तक देखो, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो यार लाइक कर दो, और गाइस चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी हमारा चैनल बिल्कुल नया है और बिल्कुल ही नया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें अब जानते भी नहीं। तो यार कम से कम शेयर कर दो। तो यार चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सेल को ओपन करना है, एंड ओपन करने में आपको यहाँ पे प्लस के पे क्लिक करना है, देन आपको फोटो को ऐड करना है। तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको कोई भी यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है, जैसे व्हाइट मैं ले लिया हूँ, आपको कोई भी एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है, देन क्रॉप पे क्लिक करके आपको यहाँ पे साइज को कुछ ए वाला 3.4 ले लेना है, ठीक है, एंड यहाँ से कर देना है डन। तो गाइस क्या करना है, अब आपको ऐड फोटो में जाना है। तो देन ऐड फोटो में जाने में आपको सिंपली जो भी यहाँ का बैकग्राउंड रिमूव हुआ होगा PNG, उसको आपको यहाँ पे सिंपली ऐड कर देना। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को पहले से रिमूव कर लिया, ताकि वीडियो में कोई परेशानी ना हो, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो ला दूंगा जो भी बैकग्राउंड रिमूव करने वाला फूल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो यहाँ से आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और ऐड बटन जाकर दोबारा आपको जो भी बैकग्राउंड होगा आपका उस बैकग्राउंड इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो मैं अपना बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, अच्छे से आपको एडजस्ट करना है। तो गाइस वीडियो चलो तो यार लाइक कर दो। तो मैं आज अच्छे से एडजस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं मूड आने, हमारा बैकग्राउंड पीछे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है और इसको ब्लर कर देना है बैकग्राउंड को। तो आपको जितना अकॉर्डिंग आपको ब्लर रखना है तब ब्लर कर सकते हैं आप यहाँ पे, और मैं यहाँ से कर दूँगा डन। देन गाइस इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर इफेक्ट डन कर देना है, और डन करने बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट में जाना है। तो इफेक्ट में जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ब्लर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको ब्लर करना है। मैं यहाँ से ब्लर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और कुछ ब्लर करता हूँ। तो यार वीडियो चले तो लाइक कर दो एंड इरेजर पे क्लिक करेंगे और हार्डनेस कम करके यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे और हार्डनेस कम करके यहाँ पे और अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ताकि ये बैकग्राउंड जो हमारा है रियल लगे। तो मैं यहाँ से अच्छे से कर लेता हूँ। तो अब हमें यहाँ से भी कर देना डन। देन गाइस डन करना, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ टूल में जाना है और फोटो भी कर लेना है इसके। एंड इसके बाद हम चलते हैं लाइट रूम के अंदर, आप टीडर पर क्लिक करेंगे और कर देंगे सेव इमेज, और हम चलते हैं लाइट रूम के अंदर। गाइस क्या है कि मैं अपना फोटो को लाइट रूम अंदर शेयर कर लिया और प्रीसेट भी शेयर कर लिया, ठीक है। फिर जो हमारा प्रीसेट है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टीडर पर क्लिक करना है और इसका जो सेटिंग होता है उसको कर लेना है कॉपी। तो मैं यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि सर्च कर रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है, टीडर पर क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्रॉप छोड़कर सभी टूल को सेलेक्ट कर लेना है एंड मैं इसको कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं कर लूँगा डन। देन गाइस डन करने बाद आपको बैक करना है अपना फोटो पे, ठीक है। तो मैं अपना फोटो पे आ जाता हूँ, मेरा हमारा फोटो, और सीधा भी क्लिक करेंगे और कर देंगे पेज। हमारा फोटो वन की काफ़ी बढ़िया फिल्टर आ गया। गाइस मैं इसका प्रीसेट इसलिए बना दिया कि आपको मतलब फोटो एडिटिंग करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है, और जो टोन है वही टोन आ जाए, ठीक है, क्योंकि अलग टोन डालेंगे तो बढ़िया नहीं लगा फोटो। एंड आप सेलेक्टेड बनाए और जो ए वाला मैं मतलब एंगल बनाया हूँ जो लाइट वाला, आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे अपने बॉडी। तो मैं यहाँ से शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और कर दूँगा शेयर टू स्केट मोड, ठीक है। आपको भी ऑटो डिटेक्शन का शेयर करना है स्क्रीन को स्मूथ करने के लिए और कुछ पार्टिकल्स को ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ से ऐड कर दिया और ये जहाँ यहाँ पे आपको सिंपली पहले यहाँ पे लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके डुप्लीकेट लेयर बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको बना लिया डुप्लीकेट एंड इसको हिट कर दूँगा। देन गाइस इसके बाद से आपको यहाँ पे ब्रश ऑप्शन बनाना है और ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है नीचे से आकर, ठीक है, जो बैकग्राउंड मतलब जिससे फेस स्किन स्मूथ हो रहा है। एंड उसके बाद से आपको फटाफट स्क्रीन को स्मूथ करना है, बढ़िया से अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कर लें ताकि आपका फोटो बढ़िया लगे। तो
अब आपको क्या करना है, जो हमारा स्किन स्मूथ हो चुका है, अब आपको सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, जो आप हीट किए थे उसको ऑन हीट कर देंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका फोटो मतलब रियल लगेगा, ठीक है। और यहाँ से इसको ओपेसिटी कम करेंगे और कर देंगे मर्ज, और मर्ज करना सिंपली आपको एक एम्प्टी लेयर बनाना है और एम्प्टी इमेज में जाना है आपको, और जाने के बाद से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जो पार्टिकल्स होंगे उसको ऐड करना है। जैसे मैं कि लाइट वाला पार्टिकल्स किसमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लाइट वाला पार्टिकल सेलेक्ट करता हूँ और इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। एंड इसको करूँगा ना, और फोटो भी क्लिक करूँगा और लेयर भी क्लिक करके ब्लेंडिंग मोड की स्किन करूँगा, और यहाँ पे मैं जहाँ भी एडजस्ट करना होगा उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, ठीक है, ट्रांसफर करके। तो आपको भी जहाँ पे अच्छा लगे आप वहाँ पे लाइट या पीएनजी ऐड कर सकते हैं पार्टिकल्स को, और उसके बाद फिर एम्प्टी लेयर बनाएंगे और फिर वही प्रोसेस करेंगे और जाके एक और पार्टिकल्स उसमें ऐड करेंगे। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ से मैं उस वही प्रोसेस आपको सेंड करना है, एंड उसके बाद ट्रांसफर में क्लिक करके आपको अच्छे से इसको ट्रांसफर कर देना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, और चैनल पर अभी तक नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करना, गैलरी पे क्लिक करके आप करना है।